के इस धन्यवाद ज्ञापन के और अभिनंदन के कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रतिपक्ष के दिल्ली विधानसभा के नेता रामवीर सिंह बिदुरी जी, हमारे सांसद रमेश विदुरी जी, सांसद प्रवेश वर्मा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता और हमारे किसान प्रतिनिधि नारायण सिंह जी, किसान प्रतिनिधि अमर सिंह जी, किसान के प्रतिनिधि सिब्बल सिंह जी, यहाँ सम्मानित मंच और सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ एकत्र आए कार्यालय में हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों जिनका संबंध कृषि से लंबे समय से रहा है, ऐसे सारे कृषि भाई जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कृषि बिल के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं, सबसे पहले तो आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मुझसे पूर्व अभी मंच संचालक जी बहुत सी बातें कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें आपसे कर रहे थे और उसी तरीके से आदेश गुप्ता जी ने कृषि के सिलसिले में बहुत सी बातें की और साथ ही साथ दिल्ली प्रदेश के किसानों की तकलीफों के बारे में भी उन्होंने विषय को रखा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली देहात किसान संघ की ओर से आप प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, आपने उनके लिए पगड़ी भेंट की है, शॉल भेंट किया है, साथ में एक अभिनंदन पत्र दिया है। मैं आपको धन्यवाद तो देता ही हूँ, साथ ही ये विश्वास दिलाता हूँ कि यह मैं खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, उनको दूंगा और बताऊँगा कि किस तरीके से दिल्ली और आसपास के हमारे देहात के किसान भाई हर्ष उल्लासित होकर के पूरे हर्ष उल्लास के साथ किसान के द्वारा किसान के लिए किए गए कार्यों के बारे में जो आपने किया है उसके बारे में धन्यवाद प्रेषित करने के लिए वो सब आए हैं और पुनः आप सबका मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, किसान हमारा अन्नदाता है और देश की आज़ादी के बाद किसान ने भारत का सर ऊंचा करने में, मस्तक ऊंचा रखने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। हम सबको मालूम है कि जब हम आज़ाद हुए तो हम अपने भोजन खाने की वस्तुएं विदेश से मंगा रहे थे, यानी परिपूर्ण हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हरित क्रांति के साथ साथ हमारा किसान जुड़ा और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि अपने देश की आवश्यकता को तो हम पूरा कर ही रहे हैं, दुनिया के देशों के लिए भी हम अनाज पैदा करके उनको देने का इंतजाम कर रहे हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हमारी आर्थिक स्थिति को किसान ने बहुत मजबूती दी है, मजबूती प्रदान किया है और हम ये कह सकते हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ी है किसान ने हमेशा आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है और हमारी इकोनॉमी को, हमारे आर्थिक जगत को, आर्थिक नीति को, आर्थिक परिस्थिति को सुदृढ़ करने में एक विशेष योगदान किया है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, किसान खेत में मेहनत करता है, पसीना बहाता है, हमारा अन्नदाता है, हमारी चिंता करता है और हम सब लोग कहते हैं कि भारत किसान का देश, भारत की आत्मा गांव में बसती है,
भारत की आत्मा किसानों में बसती है और किसान ही भारत को खड़ा करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बहुत सी नीतियां जो किसान के पक्ष में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी उसमें उदासीनता रही। लोग चर्चा तो कहते रहे, किसान नेता के रूप में भी बहुत नाम आए, बहुत नेता बने, लेकिन किसान की तस्वीर बदलने में और तकदीर बदलने में कोई योजनाबद्ध तरीके से किसी ने भी काम नहीं किया। किसान के नाम पर राजनीति हुई, किसान के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन किसान के लिए कोई हिम्मत से बढ़कर के आगे आने का काम और परिवर्तन लाने का काम यह नहीं हुआ और हम इसके मामले में उदासीन रहे। लेकिन बहुत खुशी की बात है और हम सबके लिए गौरव की बात है कि किसानों का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से वो आए उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो गरीब के लिए होगी, हमारी सरकार होगी तो उनके लिए होगी जो वंचित हैं, वे उनके लिए होगी जो पीड़ित हैं, ये उनके लिए होगी जो मजबूती के साथ आगे देश को खड़ा करने के लिए लगे हैं, और ये उनके लिए होगी जो हमारा किसान भाई है जो देश को आगे ले जा रहा है उनके लिए समर्पित होगी। ये बात उन्होंने कही और कहने के लिए नहीं कहा। अगर हम याद करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अब देखिए सब अंतर भी देखिए, पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, जब चुनाव आए तो कहती थी कि हम इनके कर्जे माफ कर देंगे, और कर्जे क्या माफ करती थी 10 साल में आपको मालूम है, कुल मिलाकर के सब जोड़ ले 10,000 का, 10 साल का तो 54,000-55,000 करोड़ रुपए होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि प्रधानमंत्री हम किसानों को उनके सम्मान के साथ किसान खेती कर सके इसकी हम व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सीधा बैंक के खाते में पहुंचाने का काम किया और 10 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। किया कि नहीं किया, सीधे खाते में जाता है कि नहीं जाता है। इससे पहले एक प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कहा कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, 15 पैसे ही मिलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खाते में सीधा 6,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया, 10 करोड़ लोगों को, और 1 साल के अंदर ही डायरेक्ट ट्रांसफर से 92,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंचा दिया। मित्रों, कोविड के समय में भी जब कोरोना का लॉकडाउन था तो अप्रैल महीने में आपको याद होगा कि जो किस्त थी वो सीधी की सीधी आपके खाते में पहुंचाई गई, 6,56,00,000 किसानों के खाते में पहुंच गया धन। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जगह पर धन नहीं पहुंच पाया जैसे वेस्ट बंगाल, अब वहां की ममता दीदी को न विकास करेंगी और नहीं विकास के लिए किसानों को के बीच में आड़े बनेंगी और आड़ा बन करके उनको भी नहीं देंगी। लेकिन मित्रों, ज्यादा देर वो भी नहीं होगा, अप्रैल में चुनाव आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में भी वो जाएंगी, बीजेपी आएगी, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलेगी, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन किसान सम्मान निधि पहुंचाने का काम किया ताकि किसान को मदद मिल सके खेती के लिए, वो कीटनाशक खरीद सके, वह दवाई खरीद सके, वह बीज खरीद सके, वह अपने औजारों का मरम्मत करा सके, वो सब कुछ करा सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई। हमारे ध्यान में कभी किसी के बारे में कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलेगी, कभी सोचा था? आज 5 करोड़ किसान इसमें जुड़े हैं, रजिस्टर हुए हैं, और इनको 3,000 रुपए 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी, इसकी व्यवस्था की तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत आदरणीय मोदी जी ने की है, वह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 9 करोड़ किसान रजिस्टर हुए हैं, 9 करोड़, और 9 करोड़ को लोगों को जोड़ने का काम किया है। उसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, इसमें 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बंटे हैं, और लोन जो है वह बहुत ही नॉमिनल, उस पर किसान क्रेडिट कार्ड पर
62,770 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया है, इस बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। यह हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम, ई नाम यानी डिजिटल, इसके साथ भी 1,67,00,000 किसान जुड़े हैं और 1,00,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इस ई नाम के माध्यम से हुआ है। यह हम आपको बताना चाहते हैं, 1,00,000 करोड़ का, यानी हम किसान हमारा डिजिटल कैसे हो रहा है, किसान ई नाम मंडी में कैसे अपने आप को विकसित कर रहा है, इसका भी हमको रास्ता देखने को मिला है। यह भी हम आपसे बातचीत करते हैं। जब सॉयल हेल्थ कार्ड का काम चला कि लोगों को उनकी जमीन का पता होना चाहिए कि उनकी जमीन में क्या विशेषता है सॉयल हेल्थ कार्ड, तो उस समय भी लोगों ने इसको इस तरीके से लिया था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मोदी जी का जुमला है, ये कैसे होगा। आज मैं आपके साथ गौरव के साथ कह सकता हूं कि 22,51,00,000 किसानों के जमीन का किसान सॉयल हेल्थ कार्ड बना है और उसके माध्यम से उनको उनकी जमीन का पता चला है। उसी तरीके से लगभग 10,000 क्लस्टर्स यानी छोटे छोटे समूह, ये अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट बनी थी कि किसान को किस तरीके से लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट थी, ये यूपीए के समय में धूल फांक रही थी। ये रिपोर्ट पड़ी हुई थी, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का जिम्मा उठाया और पहली बार लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने का निश्चय किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने तय किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अब आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में जो 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, उस 20,00,000 करोड़ पैकेज में 1,00,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च होना है, एग्रीकल्चर पर खर्च होना है 1,00,000 करोड़ रुपए। लगभग 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी निवेदन करूंगा, विशेष करके चाहर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पूरी ताकत लगा करके फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और फार्म गेट में अब मोदी जी या कोई अधिकारी नहीं तय करेगा कि किसान के भले के लिए क्या करना है, वो संगठन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तय करेंगे कि उनके भले के लिए क्या होना है और मोदी जी का 1,00,000 करोड़ रुपए आप तक पहुंचेगा ताकि आप उस विकास के काम में लगा सके, इस तरीके की व्यवस्था होगी। आपने कोल्ड स्टोरेज बनाना है, आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए। आपने अनाज रखने के लिए मंडी में स्टोरेज बनाना है, आप उसके लिए बनाइए। आपने कोई वैल्यू एडिशन करना है अपने प्रोडक्ट पर, तो आप उसके लिए फैक्ट्री लगा सकते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। आपको अपने गांव की सड़क को अच्छा करना है ताकि आपका सामान मंडी में समय पर पहुंचे, आप 1,00,000 करोड़ रुपए में से उसके लिए भी लगा सकते हैं। आप मंडी में और अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, आपको उसमें भी पैसा आप ले सकते हैं। किसान तय करेगा कि उसके प्रोड्यूस को अच्छा बनाने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा वह 1,00,000 करोड़ रुपए में से आदरणीय मोदी जी देंगे और आप उसका विकास करेंगे, ये इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करूंगा कि जागरूक होकर के जागरूक किसान इस 1,00,000 करोड़ रुपए का फायदा उठाए, फार्म गेट बनाए और उस फार्म गेट के माध्यम से जो भी छोटी बड़ी चीजें होनी चाहिए, हमारे यहाँ मक्का होता है और मक्का बहुत सस्ते भाव में जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो हमने अपने किसान भाइयों को कहा है कि मक्का यही कहीं कोई पॉपकॉर्न जानता है, कोई कुछ जानता है, क्यों हम वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते, क्या हम उसको अच्छा नहीं बना सकते, क्या हम उसका फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल भी कहा है, इसलिए उसको लोकल जो हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए आगे बढ़ चढ़ करके बोलेंगे, ब्रांडिंग कराएंगे ताकि दुनिया में उसकी मार्केट बने और दुनिया में वो उसको जाना जाए और उसको खरीदा जाए, इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए मित्रों, किसानों के बारे में मौलिक चिंतन मोदी जी ने शुरू की और मोदी जी ने मौलिक चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाया। अभी ये कृषि बिल आए, 3 बिल आए, क्या है ये बिल? पहला बिल आप देखिए, समझने वाली बात है। आप ये ग्लास बनाते हो,
आप ये था, ये इसके ऊपर ढक्कन बनाते हो, आप ये पंखा बनाते हो, आप ये माइक बनाते हो, आप ये कागज बनाते हो, जो भी बनाते हो आप, ये बताइए, ये जो भी आप बनाते हैं, ये आप दुनिया के किसी भी मार्केट में आपको बेचने की छूट है कि नहीं है? छूट है कि नहीं है? फिर किसान बेचारा अगर आलू उगाता है, अगर वो कोई सब्जी उगाता है, अगर वो चावल उगाता है, यानी और गेहूं उगाता है, मक्का उगाता है, तो उसके ऊपर ये बंदिश क्यों है कि वो फलानी मंडी में ही अपना अनाज बेचेगा और किसी और जगह नहीं बेच सकेगा? वो ये बंदिश किसानों पर क्यों थी? ये सच्चाई है कि नहीं है कि आपके 100-150 गांवों के बीच में जो अनाज मंडी है उसी में आपका सामान बिकेगा और कहीं और नहीं बिकेगा? यह सच्चाई है कि नहीं है? ऐसा क्यों? मोदी जी ने कहा कि आप उस अनाज मंडी में बेचना चाहो बेचो, लेकिन अगर आप उस अनाज मंडी में नहीं बेचना चाहते हो तो कोई आपको रोकेगा नहीं, आप दुनिया के किसी भी बाजार में बेच सकते हो, यह काम आपको दिया गया। यानी किसान को पहली बार आजाद किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप बताइए, आपका सामान गुड़गांव के आसपास का किसान क्या फरीदाबाद मार्केट में बेच सकता है? क्या फरीदाबाद का किसान क्या गुड़गांव के मार्केट में बेच सकता है? आप बताइए, एक जिले से दूसरे जिले में अपना अनाज ले जा सकते हो तुम? क्या रुकावट होती है कि नहीं होती है? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जा सकते हो क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अब तो किसान भाई तुम अपनी मंडी में बेचना चाहते हो बेचो, लेकिन अगर तुम नहीं बेचना चाहते हो तो तुमको कोई रोकेगा नहीं, कोई जिला का बंदिश नहीं है, कोई प्रदेश की बंदिश नहीं है, कहीं भी तुम अपना सामान बेच सकते हो। यह आजादी दी तो मोदी जी ने दी है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बात बताऊं आपको पंजाब के किसानों के बारे में, यह किसान का आंदोलन नहीं है, यह बिचौलियों का आंदोलन है, समझो आप। पंजाब में तो किसान की चार जी, मेरे को आप करेक्ट कर देना, गलती बोलूंगा तो मुझे रोक देना, कि पंजाब और चुग साहब आप भी, आप क्या सच्चाई नहीं है कि आपके यहां मंडी में आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते? जिस आरती के पास आपका सामान जाता है उसी को बेचना पड़ेगा और किसी को आप नहीं बेच सकते हो। यह गुलामी की हालत खड़ी कर रखी थी जिसको मोदी जी ने आजाद कर दिया, इसको हमको समझना चाहिए, यह है आजादी। और दूसरी बात सुन लीजिए, हमारा किसान का क्या हाल होता है? मंडी में गए, सामान रख दो, बताएंगे, कभी कभी किसी बिचौली ने या आरती ने कहा कि मार्केट बहुत अच्छी है? कभी कहा? बड़ी मंदी है रख दे, बड़ी मंदी है रख दे, बड़ी मंदी है रख दे, और आपके जाते ही दाम बड़े ठीक ठाक हो जाते हैं। जैसे ही आपको उसने पैसा दिया और आपके सुख दुख में शामिल हुआ और आपको लगा कि यही मेरा अन्नदाता है, और जैसे ही आपको पैसा दिया तो मंदी खत्म, मंदी उसके बाद खत्म, फिर मार्केट में उछाला जाता है। ये कैसा धंधा है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? मैं जमीन की बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो मित्रों, इसको रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा, आप बताइए, हमारा सेव दिल्ली लेकर के आते हैं कि नहीं आते? हमारे लोगों को क्या कहा जाता है? रुको, अभी मार्केट बड़ा ठंडा है, अभी मार्केट बड़ा ठंडा है, मार्केट बड़ा ठंडा है। अब किसान बोलता है, यार हमारा सेब सड़ जाएगा, जो मार्केट है दे दो, और तुम्हारे जाते ही वो मार्केट बड़ा गर्म हो जाता है। ये क्या होता है भाई, ये कैसे होता है? और किसी किसान को पता चलता है कि उसका सेब, उसका आलू, उसका संतरा, उसका प्रोडक्ट बंगलोर में किस भाव बिक रहा है, गुवाहाटी में किस भाव बिक रहा है, पटना में किस भाव बिक रहा है, भोपाल में किस भाव बिक रहा है? अब मोदी जी ने आपको आजाद कर दिया, घर बैठे तुमको पता चलेगा कि इसका दाम गुवाहाटी में कितना है, बंगलोर में कितना है, पटना में कितना है, भोपाल में कितना है, ये आपको पता चलेगा। आप तय करना, जहां देना होगा दे देना, बेच देना। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपको जानकारी दी जाएगी, कोई भी माल अगले सप्ताह इसका क्या दाम हो सकता है, अगले सप्ताह दाम बढ़ेगा कि घटेगा, यह भी किसान को जानकारी दी जाएगी। यह मोदी जी का किसान के प्रति समर्पण है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं जी? मैं सही बोल रहा हूं ना? यही सच्चाई है।
किसान को मालूम होना चाहिए कि मेरा सामान, मेरा संतरा, अगर मैं एक हफ्ते उसको रोक सकता हूं, कोल्ड स्टोरेज में डाल सकता हूं, बचा सकता हूं, पेरिशेबल गुड है, लेकिन बच जाएगा तो इसका दाम बढ़ने वाला है, तब हम बेचेंगे, ये फैसला कर सकेगा। इसलिए मित्रों, ये जो कृषि के दृष्टि से, और फिर कहा गया एमएसपी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, पढ़े लिखे हैं, क्या कहते हैं, एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो, एक्ट में लिखो। तुमने लिखा था एक्ट में? ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है भैया, एमएसपी हमेशा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होता है, एक्ट में नहीं लिखा जाता। लेकिन मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी रहेगी, और एमएसपी में भी लागत का डेढ़ गुना किसने दिया? तुमने नहीं दिया, मोदी जी ने दिया है। इस बात को ध्यान में रखना, यह बात ध्यान में रखना। इसलिए तुम बनते हो आज किसान के हितैषी, तुम तो बीच वालों के हितैषी हो, तुम तो उनके हितैषी हो, किसान के हितैषी नहीं हो। मैंने तीन बातें गिनाई है, गलत है तो खड़े हो जाइए, अगर सही है तो ताली बजा करके मोदी जी का धन्यवाद कीजिए, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। ये क्या, अच्छा सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यही। अब एक तो बेचारा राहुल गांधी जी को पता नहीं कितना समझ में आता है नहीं आता है, उनसे बोला जाता है या बुलवाया जाता है, मैं नहीं जानता। जो भी है, उन्होंने 2013 में बोला कि फ्रूट्स को, फ्रूट्स मतलब फल को, एपीएमसी एक्ट से बाहर रखो। यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा। किसने कहा? राहुल गांधी ने। कब कहा? 2013 में कहा। क्या कहा? कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कहा कि फ्रूट्स को एपीएमसी से बाहर रखो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी से बाहर रखो। कांग्रेसी तो मानेंगे ही, अब इनको बोला गया था या बुलवाया गया था, इन्होंने किया, हो गया, तुम करो तो सही, तब तो तुम फार्मर चैंपियन बनते हो। अभी 2019 के तुमने मैनिफेस्टो में लिखा है, तीन बातें लिखी हैं, एक कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, दूसरा कि हम मंडी के, के, के बंदिश को दूर करेंगे, और तीसरा कि हम आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम समाप्त करेंगे। क्या लिखा? The 1955 Essential Commodity Act will go। यह आपने लिखा, आप लिखते रहे, मोदी जी ने करके दिखा दिया, यह बात समझनी चाहिए। जब मोदी जी ने करके दिखा दिया तो नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अरे तुम किसके हितैषी हो भाई? किसानों के हितैषी हो, कृषि के हितैषी हो, या अपने हितैषी हो, या अपने परिवार के हितैषी हो, क्या हो आप? आपने 2019 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा के देखो, आपने लिखा है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी को हम स्क्रैप करेंगे, आपने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम साथ देंगे, आपने लिखा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को हम रेलेवेंट बनाएंगे। ये एक ऐसा पुराना एक्ट है विच शुड गो अवे, ये जाना चाहिए। मोदी जी ने कर दिया, जाने का इंतजाम हो गया, अब क्या दिक्कत हो रही है? इसलिए मित्रों एक बात ध्यान रखना, ये राजनीति के आसपास घूमने वाले लोग हैं, ये किसानों के हितैषी नहीं है। अगर किसानों के हितैषी होते तो कहते मोदी जी आपने हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था लेकिन आपने करके दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये बात कहते, लेकिन नहीं कह रहे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है? साफ लिखा है, एक्ट में लिखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, जमीन पर उपजे हुए चीजों का ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकेगा। आप बताओ किसान को सशक्तिकरण किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कोई गलती से या बदमाशी से या चालाकी से वो जमीन का भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट टिकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्ट में ही डाल दिया कि जमीन पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, जमीन से उपजी हुई चीज पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट होने पर दाम पहले ही तय हो जाएगा, और दाम अगर मार्केट अच्छी हुई तो उसका बोनस रेट भी तय हो जाएगा, और जो भी होगा इसका फायदा नुकसान जो व्यापारी आपके यहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नुकसान सहने का जिम्मा उसका होगा, फायदा लेने का जिम्मा किसान का होगा, यह बात उसमें लिख दी गई। कितने दूर तक की बात सोची गई है भैया, कितनी दूर तक की बात सोची गई।
अब ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब था? ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट तब था जब अनाज की कमी थी, जब लोग अनाज स्टोर कर लेते थे तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता था कि भाई आप अपना अनाज निकालो और आप मार्केट में पहुंचाओ, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट उस समय लगती थी। आज भरमार है और सबने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि वी विल डू अवे विद दी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो उसके बारे में भी सप्लाई चेन को सुदृढ़ीकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ? सामान सुदृढ़ीकरण के साथ पहुंचे उपभोक्ता तक, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यही काम मोदी जी ने किया है। इसलिए मित्रों, ये जो कांग्रेस पार्टी है और अन्य नेता हैं, ये वैसे हैं जब खेल में हार जाए ना, आप देखते थे ना बचपन में, जो हारने लगता था ना विकेट उखाड़ के चल देता था, याद है आपको? क्रिकेट में होता था कि नहीं? जो हारता था ना बोलता था नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, विकेट उखाड़ चल दे बने। वैसे ही ये है, राजनीति में आए हैं, चुनाव हारते हैं, हर बात का विरोध, हर बात का विरोध, हर बात का विरोध, खुद की कई बात को भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को नमस्कार, और आप लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, अभिनंदन दिया है, उसको मैं दिल से समेट करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक रखूंगा, इसका आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे कभी भी पूछ लेना, और अगर मेरी बात सही हो तो इसको जनता तक, किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाना। ये मोदी जी की आवाज़ है, इसको समझना, और ये मोदी जी की इच्छा है, इसको समझना। अंत में, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं, इसके प्रांगण में आए हैं धन्यवाद देने के लिए। मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी द्वारा दी गई पगड़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक सहसलामत पहुंचाई जाएगी, आपके द्वारा दिया गया अभिनंदन पत्र उनको पूरी, आपके द्वारा पूरी इज्जत के साथ उनको भेंट की जाएगी, और उनकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं, और उनकी तरफ से भी आपको पत्र आएगा, धन्यवाद का पत्र आएगा, ये बात विश्वास दिलाता हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।